सभी आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देख लो, नहीं तो बहुत ही ज्यादा पछताओगे। देखो दिया है 1 cot a - cosec a 1 tan a + sec a। इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 cot a को हम लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a। ये आपका फॉर्मूला है, cot a बराबर होता है cos a अपॉन sin a, माइनस cosec a बराबर होता है 1 upon sin a। cosec a बराबर क्या होता है, ये आपका फार्मूला है, आप याद कर लेना, 1 upon sin a। cosec a बराबर 1 upon sin a, तो लिखेंगे 1 upon sin a। उसके बाद इनटू का दिया है 1 + tan a + sec a, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 plus tan a को क्या लिखेंगे, sin a अपॉन cos a, ये आपका फार्मूला होता है। प्लस sec a को क्या लिख सकते हैं, 1 upon cos a। उसके बाद देखिए जब sin a का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, sin a। उसके बाद हम क्या करेंगे, sin a से sin a में गुणा करेंगे तो एक बार में जाएगा, उसके बाद sin में गुणा करेंगे, एक में गुणा करेंगे तो sin a, प्लस का cos a, अब माइनस का 1 तो माइनस का 1, ये आपका कोष्टक बंद। उसके बाद 1 plus, उसके बाद हम क्या करेंगे, cos a cos a, यानी cos a cos a का एलसीएम cos a, उसके बाद क्या हो जाएगा cos a plus sin a plus का 1, यानी plus का 1, ये भी आपका कोष्टक बंद। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब sin a का cos a में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin a cos a, उसके बाद sin से sin में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का sin स्क्वायर a, ठीक। उसके बाद देखो cos से cos में गुणा करेंगे तो प्लस है, तो यहाँ प्लस cos स्क्वायर a, उसके बाद cos a प्लस का sin a, यानी प्लस cos a और sin a, ठीक। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब आपको कभी भी माइनस वन और प्लस वन, अब मान लो माइनस वन से cos a में प्लस का sin a में प्लस का वन में गुणा करने से बढ़िया है माइनस वन और प्लस वन को एक में गुणा कर दो, तो माइनस का वन ये बाहर कर दो। उसके बाद दिया है अपन में sin a cos a, इन दोनों गुणा करेंगे तो ये सेम होगा sin a इनटू cos a। उसके बाद देखो हम इसका एक फार्मूला होता है जो आप जानते होंगे, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, यानी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ठीक। ये sin a cos a, cos a sin a, यानी वही दोनों सेम हुआ, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 sin a, ये cos a, ठीक। जब ये आपका निकल कर आएगा तो आप इसके बाद क्या करोगे, ये आप एक अपने ध्यान में रखो, उसके बाद बाहर क्या दिया है, माइनस का 1, ठीक, नीचे दिया है sin a cos a। अब आपके मन में ख्याल आता होगा, सर हम यहां से कैसे करेंगे, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जो बहुत ही शानदार फार्मूला है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, ये फार्मूला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, वैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 sin a cos a, आप बाहर माइनस 1 है तो यहाँ लिखेंगे माइनस 1 अपॉन sin a cos a। अब आप बताइए 1 और माइनस 1 को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, हम चाहे तो माइनस 1 और प्लस 1 को हम यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन आपको समझने के लिए हमने छोड़ दिया। तो आपका
अब देखो इसमें से साइन ए कॉस ए ना, साइन ए कॉस ए, अब टू बच गया तो यही टू आपका क्या हो जाएगा, कैंसोर होगा। तो दोस्तों यदि समझ में आ गया हो तो पांच नंबर पक्का पाएंगे, पांच नंबर पक्का वादा है, यदि नहीं पाएंगे तो अपना नाम फेर देंगे। ये पांच नंबर आपको मिलना ही मिलना होगा, यदि मिलना नहीं तो आप बताइएगा, क्योंकि बोर्ड में तो ये पक्का पूछेगा।